हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. मोस्ट वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट चैनल विच इज़ क्लास अ पार्ट. वेल, दिस इज़ द एंड ऑफ द मंथ, तो आज हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट आई एम श्योर मोस्ट बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी मुश्किल लगता है, एंड दैट इज़ रिकॉर्डेड स्पीच. सो मोस्ट ऑफ यू, आई एम श्योर, इवन आई यूज टू गेट कन्फ्यूज इन दिस टॉपिक. I used to get confused between, I mean, of course, most of you also get confused between reported speech, which is direct or indirect speech, and active and passive voice. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें confused हो जाते हैं. In fact, मैं भी हो जाया करती थी कुछ सालों पहले तक. So remember बच्चों, आपका एक इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि रिपोर्टेड स्पीच हो गई कि जब किसी ने कोई बात इन्वर्टेड कॉमर्स में, मतलब किसी ने कोई बात बोली और आपने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है, और फिर उसके बाद जब आप उस बात को किसी और को सुनाते हैं, ठीक है, तो वो हो गई बच्चों आपकी रिपोर्टेड स्पीच. सो देर इज़, यू आर नॉट चेंजिंग द एसेंस और यू आर नॉट चेंजिंग द टोन ऑफ वट एवर वॉज सेड, यू आर जस्ट काइंड ऑफ कन्वेइंग इट टू सम थर्ड पर्सन विदाउट द इन्वर्टेड कॉमर्स इन्वॉल्व्ड. So that is your reported speech. But यही चीज़ अगर आप active passive की बात करें तो it is slightly different. वहाँ पर क्या है बच्चों कि आपका जो tone है ना बात करने का, वही change हो जाता है completely. यानी कि आप जो बात कर रहे हैं उसका मतलब अगर आपको कोई बात बहुत directly बोलनी है तो आप active voice में बोलेंगे. वही बात अगर आपको थोड़े से indirectly convey करनी है, मतलब ज़्यादा you know, you don't want the person to find it very very straightforward, तो आप उसको passive voice में convey करेंगे. That's all. So ये difference है. So reported speech में there is no change in the tone at all, but in active passive there is a change in tone. So remember that, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. चलिए बच्चों, let's go ahead. So before we go ahead, you all can access school exams with an academy ki subscription. Use my code SOS10 to buy a subscription. Then, bachcho, most welcome to your English educator session. My name is Sonam Sudhan. I'm your English educator. Filhal, main aapko padha rahi hun class 7th ki English, aur abhi hum kar rahe hain class 7th ki CBSE class 7th ki English grammar. ठीक है बच्चों, सो आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी क्लास 6 पर देखा ही होगा. सो हियर इज़ द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल ऑफ अन अकेडमी क्लास 6. इफ़ यू गाइस हैवंट जॉइंड इट, देन प्लीज़ जॉइन इट, बिकॉज इसको ज्वाइन करने से आपको जो है हर एक सेशन का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा. चलिए, हियर इट इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, व्हिच इज़ बग्स बाउंटी. अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो यू कैन रिपोर्ट इट. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. देन इज अनअकैडमी आस्क डाउट. घर बैठे बैठे आप पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे, और आपको मिलेंगे जवाब में वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है, जो आपको आंसर्स मिलेंगे बच्चों वो बहुत ही इंस्टेंट होंगे, बहुत ही एक्यूरेट होंगे. सो या गो अहेड एंड यूज दिस फीचर. हाउ डू यूज दिस फीचर? गो टू द अनअकैडमी ऐप. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फीचर बिल्कुल फ्री है. आपके पास सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, डजंट मैटर. यू जस्ट हैव सिंपली डाउनलोड द ऐप इन योर फोन. And that's all, and you got to start using this feature. So, go to the Unacademy app, click on Ask a Doubt, then you take a picture of your doubt. You either click a picture or you choose it from the gallery, then you crop the picture so that makes your question a little bit more clear. उसके बाद में आप अपना subject match करें, यानी कि जो आपका subject है, वो जो आपका question है, वो किस subject से है, और फिर अपना question भेज दें. Within no time, you will get an answer. चलिए बच्चों, लेट्स लर्न अबाउट रिपोर्टेड स्पीच. लेट्स सी कि ये क्या है, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, एंड हाउ डू यू यूज इट, एंड व्हाट आर द रूल्स व्हिच गवर्न द यूसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. तो पहले तो हम ये बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. तो वेल, कोई भी बात जब कोई भी बोलता है ना, तो वो दो तरीके होते हैं उस बात को रिपोर्ट करने के. ठीक है, कोई भी इंसान जब भी कोई बात कहता है तो उस बात को रिपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं. सो क्या तरीके होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. एक होता है आप उसको डायरेक्ट नरेशन करते हो, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट नरेशन. तो किसी भी इंसान ने कोई बात बोली, उसको आप किसी और को रिपोर्ट कर रहे हो, तो उसके दो तरीके हैं. वन इज़ योर डायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन मीन्स जो बात जिसने बोली है एज इट इज़, आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डालकर ही प्रेजेंट कर रहे हो. दैट इज़ योर डायरेक्ट नरेशन. एंड देन इज़ योर इनडायरेक्ट स्पीच और योर इनडायरेक्ट नरेशन. तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो जो स्पीकर होता है उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, और
लाइक आई टोल्ड यू इन डायरेक्ट नरेशन इट कंटेन्स द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स. जैसे आप ये देखें तो यहाँ पे सरला सेड माय फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस इन मुंबई. तो सरला सेड, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जिसने बोला है उसका नाम लिखा है, फिर सेड इज योर वर्ब यानी कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे. माई फादर हैज़ अ रोरिंग बिजनेस इन मुंबई. तो एज इट इज, जैसे उसने अपनी बात बोली थी, जो भी उसने बोला था वो एज इट इज इनवर्टेड कॉमास में लिख के प्रेजेंट कर दिया गया. दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, जैसे ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टूडे. तो यहाँ पर भी सेड जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है ये है आपका प्रोनाउन, ही आपका प्रोनाउन है. वेरी सिंपल, राइट. सो आई एम फीलिंग अनवेल टूडे, तो ये हो गया, ये जो स्पीच है ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर. एंड दीज सेंटेंसेज एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर गिवन विद द इन्वर्टेड कॉमर्स विदाउट एनी चेंज. तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि इसके अंदर जो जो भी बात मतलब बोली गई है, इट इज़ बीन विदाउट एनी चेंज, इज बीन पुट इन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन इट इज प्रेजेंटेड, राइट बच्चों. सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि दूसरा तरीका क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच का. दूसरा तरीका होता है गाइज, देर इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. वो कैसे यूज होती है, व्हाट आर द वेज इन विच वी यूज इट. इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स एंड नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय हिम और हर. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जो बात स्पीकर ने बोली है, ठीक है, आप वो प्रेजेंट करेंगे लेकिन इट वोंट बी इन इनवर्टेड कॉमास, इट विल हैव द सेम मीनिंग, सेम सेंस, एवरीथिंग विल बी सेम, बट इट वोंट बी एग्जैक्टली द सेम वर्ड. जैसे जब आप उस सेंटेंस को जो हमने पीछे भी पढ़ा, सरला सेड माय फादर हैज़ अ रोरिंग बिजनेस इन मुंबई, जब आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है, सरला सेड दैट हर फादर हैड अ रोरिंग बिजनेस इन मुंबई. या फिर आपका ये जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, सो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल दैट डे. तो ये आपने वही बात बोली है लेकिन आपने अपने वर्ड्स में उसको बोला है. बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इन रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच की, आप उसका जो एसेंस है बात का, यानी कि पूरी की पूरी बात वैसे की वैसी ही कन्वे होनी चाहिए. चलिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है गाइज टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. दैट इज दी मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच, और रादर आई से दैट इज वन थिंग विच मोस्ट स्टूडेंट्स फेस एन इशू विथ. सो हाउ यू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो हाउ यू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं. वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड ऑफ कोर्स अ वुमन परफेक्ट. तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको अच्छे से ग्रैप कर पाएंगे. बट फिलहाल के लिए लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द रूल्स, राइट, विच आर बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए, व्हाट इज द रूल नंबर वन. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट और इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच does not change. तो मैंने आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब बताया है. व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे देखें तो ओके, एनी हाउ ये जो रूल है मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताती हूँ. ये देखें, डायरेक्ट स्पीच में है, राजेश सेज शी हैज ब्रॉट फिन टू हर फैमिली. तो यहाँ पे सेज जो है दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, एंड यहाँ से आपको पता चलता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका प्रेजेंट टेंस में, राइट. सो इट्स नॉट इन पास्ट टेंस. तो अगर तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट, सो इन दैट केस ऑल्सो जो आपका वर्ब होगा वो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर देखिए, राजेश सेज शी हैज ब्रॉट फेम टू हर फैमिली. तो जब आप इसी बात को इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो वो आएगा, राजेश सेज दैट शी हैज ब्रॉट फेम टू हर फैमिली. तो यहाँ पे देखें, सेज का सेड नहीं चेंज हुआ है, सेज का सेज ही रहा है, यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग, जो आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो चेंज नहीं हुआ है, राइट बच्चों. तो यहाँ पे देखें एक और एग्जाम्पल, रोहित has said, again has said, it is in your present tense, it is not in your past tense. तो यहाँ पर भी जब convert करेंगे, Rohit has said that he cannot displease his friend. ठीक है, so एक और example देखें,
आई शैल से, तो ये किस में है, ये फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के अंदर अगेन ये सेम चीज़ अप्लाई होती है, फ्यूचर टेंस के अंदर भी जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। आई शैल से आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, तो जब आप उसको इंडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो आई शैल से दैट आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, तो आपका मतलब बेसिक बात यह है कि उसकी वजह से आपका जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है, बिकम्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्क जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है जी। चलिए लेट्स गो अहेड। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज इन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, तो सारा का सारा कॉम्प्लेक्सिटी तब आना शुरू होती है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, जब आप इसी बात को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, आई सेड दैट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, अब ये जो दैट था ये आपका यहाँ पे यूज नहीं हुआ था। देखिए रोहित सेज दैट शी हैज ब्रॉट, आई मीन नो आई मीन दैट यूज हुआ है यहाँ पे, आई डोंट मीन दैट दो, बट या ये आपका जो कंप्लीट यहाँ पे सेड है यहाँ पर भी सेड है, आई सेड दैट आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, यहाँ पे आई एम स्पीकिंग आई वॉज स्पीकिंग, सॉरी याद आज पढ़ रहे, I said that I was speaking the truth। अब यही चीज यहाँ पे आप कर रहे थे, तो राजेश says that she has brought fame to her family, so she has brought fame to her family, वो आपका sentence as it is यहाँ पे copy paste हो गया, but in case of your past tense वो चीज़ वैसे copy paste नहीं हुई है, it has changed। I said that I was speaking the truth, ठीक है, clear। यहाँ पे देखें एक और डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड बॉयज फेल बिकॉज दे डू नॉट स्टडी रेगुलरली, तो यहाँ पे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करेंगे, द टीचर सेड दैट बॉयज, आई मीन इट्स जेल, इट्स नॉट जेल दो, इट्स फेल, द बॉयज फेल, टीचर सेड दैट बॉयज फेल बिकॉज दे डिड नॉट स्टडी रेगुलरली, दे डू नॉट जो है वो डिड नॉट में कन्वर्ट हो गया, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली जब आप इसको पास्ट टेंस को कन्वर्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा एसेंस जो होता है वो चेंज, आई मीन एसेंस चेंज नहीं होता, बट आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द टेंस दैट यू आर यूजिंग। चलिए अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर टू के एक्सेप्शन, यानी कि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो रूल नंबर टू में अप्लाई होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाइल यू आर यूजिंग दिस रूल, सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर यू गो अहेड एंड यूज दिस रूल। सो यहाँ पे देखिए, If the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech must be changed into ये तो आपका रूल नंबर टू था, राइट, ये हमें पता है ये रूल नंबर टू, अब इसके एक्सेप्शन देखते हैं। ओके, इफ देर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ द वर्ब इज नेवर चेंज्ड। देखिए अब यहाँ पर जब आप मान लीजिए, चाहे आप पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आपका पास्ट टेंस में है, चाहे आप वही यूज करके आप अपनी कोई बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट जब आप उसके अंदर कोई ऐसी बात बोल रहे हैं विच इज़ अ यू नो इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो होती होती यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जैसे सनराइज इज इन द ईस्ट, और हैबिचुअल फैक्ट यानी कि आई गो टू स्कूल एट 8 AM, राइट, तो मेरा स्कूल का टाइम 8 बजे है सुबह। सो अगर कोई ऐसा मतलब हैबिचुअल फैक्ट यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो होती होती है रोज़, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कोई ऐसी चीज़ समथिंग दैट हैपन्स ऑलवेज हैपन्स, उसके लिए जो है आपका यू नो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है इन दैट केस वो चेंज, मतलब आपका जो टेंस फॉर्म होता है ना वो चेंज नहीं होता। यूजुअली आप पास्ट टेंस के वर्ड में आप चेंज कर देते जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस होता है, तो यू चेंज the verb का tense accordingly in the reported speech, right? But इसमें आप नहीं चेंज करते। Example देखो, आई एम श्योर थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, बट डोंट वरी। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड फेस इन द इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो ये हो गया आपका प्रोवर्बियल ट्रूथ। वॉट इज अ प्रोवर्ब, प्रोवर्ब इज नथिंग बट एक कहावत जिसको कहते हैं ना, एक कहावत है। सो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, सो हम इसको एक प्रोवर्बियल ट्रूथ, हम इसको एक फैक्ट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो इनडायरेक्ट में जो आप इसको बोलेंगे, ही सेड दैट फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, अब यहाँ पर आपने फेस वॉज द इंडेक्स ऑफ माइंड नहीं लिखा है, यहाँ पर आप फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड ही लिखेंगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोवर्बियल ट्रूथ, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज
यू नो एब्सोल्युटली ट्रू, यू आर कंसिडरिंग इट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो इसलिए वहाँ पर आपका टेंस चेंज नहीं होगा. देखिए एक और एग्जाम्पल देखें, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस, सो इट इज अगेन अ ज्योग्राफिकल ट्रूथ. चाहे यहाँ पे सेड यूज हुआ है, चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस है, बट स्टिल आप जब ये जो आपकी स्पीच है आप इसका टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको करेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, तो यहाँ पे द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सिस नहीं हुआ, दैट इज रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो रिमेंबर दैट जब भी आप चाहे आपका, देखिए ये तो बात आपको अभी तक पता चल गई है दैट यू नो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो सारा का सारा पंगा वहीं से शुरू होता है, पर उस पंगे के अंदर भी एक और पंगा है. तो उस पंगे के अंदर एक और पंगा ये है कि आपको जब कोई ऐसी बात ऐसी चीज़ की बात की गई है जो बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रोवर्बियल ट्रूथ है या फिर कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल सच है, तो इन दैट केस आप उसका टेंस कभी चेंज नहीं करें. ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है, नाउ डायरेक्ट स्पीच में Horatius said, death comes sooner or later. This is the universal truth. So Horatius said that death comes sooner or later. That death came sooner or later, that's not right. वो आप change नहीं करें. ठीक है जी, चलिए एक और है. Basically three exceptions रुके हमको पढ़नी है. चलिए अभी हम एक और rule number 2 की exception पढ़ते हैं. एक और second exception to rule number 2. The tense of the verb in the reported speech does not change if the reported speech states a past historical fact. ठीक है, तो अगेन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट की आप बात कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑल्सो जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट स्पीच में क्या है, He said India became free on 15th August 1947. तो जब आप इसको एक आप यू नो हिस्टोरिक फैक्ट की बात कर रहे हैं तो जब आप इसको चेंज करेंगे, he said that India became free on 15th August. तो आप इसका टेंस एज इट इज ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे. She said her father lived at Lahore for 10 years. तो इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट करिए अगेन, समथिंग विच इज यू नो अ हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब जो बिल्कुल सच है. तो she said that her father lived at Lahore for 10 years. ठीक है, सो दैट तो आपने लगाना ही लगाना है और उसके साथ में एज इट इज़, मतलब इसमें वो चिपकाने वाली कॉपी पेस्ट वाली बात होगी आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर जैसे. ठीक है, चलिए लेट्स स्टडी अबाउट द एक्सेप्शन नंबर 3. इफ टू सच एक्शंस आर गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच व्हिच टेक प्लेस एट द सेम टाइम, द पास्ट इनडेफिनेट और कंटिन्यूअस टेंस डज नॉट चेंज. चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आई नो, बट डोंट वरी, लेट्स जस्ट विल सॉर्ट इट आउट. देखिए, he said Mohan was singing a song while Gopal was playing on a flute. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो actions हो रहे हैं आपके reported speech के अंदर और आपका जो tense है reporting verb है वो past है. ठीक है, तो in that case क्या है आपका, देखिए past indefinite और continuous tense does not change. तो इसके अंदर आपका indefinite, past indefinite, what is past indefinite, your simple past, और कंटिन्यूअस टेंस दोनों में ही वो चेंज नहीं होता. देखिए अब जो आप इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड दैट मोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल गोपाल वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट. ठीक है, तो ये एज इट इज ही आपका कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे यूज हो गया है, ये चेंज नहीं हुआ है. सो दिस इज समथिंग विच यू विल नीड टू कीप इन माइंड. एक और एग्जाम्पल देख लें, शी सेड आई एम अ टॉप क्लास सिंगर, ये आपका हो गया सिंपल. ठीक है ना, आई एम अ टॉप क्लास सिंगर. She said that she was a top class singer. Abhi direct mein ko, we said he is writing a poem. To ye aapka ho gaya continuous tense mein. To indirect mein ho gaya, we said that he was writing a poem. Theek hai, so again direct mein he said it may rain tonight. Indirect mein he said it might rain that night. To tonight convert ho gaya that night. Theek hai, तो येस्टरडे कन्वर्ट हो जाता है प्रीवियस डे में एंड टुमारो कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट डे, नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन. सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सो बेसिकली वेल इफ यू टू आस्क मी, विदाउट प्रैक्टिस इट्स गोना मीन नथिंग एंड आई एम सो वेरी श्योर कि विदाउट प्रैक्टिस आपको ये कभी रूल्स इसके पता चलेंगे ही नहीं.
आप जितना मर्जी पढ़ लें, यू विल स्टिल हैव सम और द अदर गैप इन योर माइंड कि अच्छा ये शायद ऐसा, अच्छा इसका शायद ये मतलब है. सो माई सजेस्टन टू यू इज प्रैक्टिस एज मैनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स एज यू कैन. एंड वाइल प्रैक्टिसिंग यू विल मेक मिस्टेक्स एंड दैट इज हाउ आपको रूल्स आपको समझ आते जाएंगे. तो सोल्यूशंस के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ. तो अगर आप रियली चाहते हैं कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें, वेल देन यू नो द वे फॉरवर्ड. गो एंड बाय योर प्लस सब्सक्रिप्शन बच्चों. तो प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स मैं आपको पहले बता देती हूँ. तो आपको घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका मिलता है, सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर आउट क्लियरिंग सेशन होता है, पूरे सिलेबस का कवरेज होता है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस PDF आपको मिलता है स्टडी मटेरियल के साथ साथ, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन में. नाउ व्हाट इज़ द प्राइस? तो 2 साल का है बच्चों, 25,000 18 महीने, 20,000 15 महीने, 18,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? यू हैव ए पर्सनल मेंटोर, लाइव सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. देन व्हाट्स द प्राइस बच्चों? तो आपका हो गया 2 साल का 48,000, 18 मंथ्स का 35,000, 15 मंथ्स 32,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. Then don't forget to use my code SPSO10 to unlock free special classes and free test series on the Unacademy. So basically, सभी free gifts, जो भी freebies आपके लिए available हैं on the Unacademy, आप उन सबको unlock करने के लिए, you can use my code SPSO10. And thank you so much, बच्चों. Don't forget my code SOS10. अगर आपने subscription खरीद ली है तो आप अपने friends को बोलें खरीदने के लिए using my code SOS10. ठीक है बच्चों, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू टुमारो एट 10 o'clock इन माई क्लास ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड देन अगेन एट 4 o'clock ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड देन एट 5 o'clock सॉरी सुबह 10 बजे ऑन अनअकैडमी क्लास 6th ऑन यूट्यूब, 4 बजे फिर शाम को अनअकैडमी 6th ऑन यूट्यूब एंड फिर उसके बाद 5 बजे यू विल सी मी on the Unacademy app. So happy learning, bacho. Let's crack it together with Unacademy. Love you all. Take care. Bye, everybody.